a tribute to the one Albert Einstein, sir, only on Chess Radio Kolkata. जिन्होंने मुझे ना बोला, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की और जिसकी वजह से मैंने अपना सारा काम खुद ही किया। ये कहना था एक साइंटिस्ट का और ये कहानी है उसी जीनियस साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन। गेम ऑफ माइंड की सीरीज में अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी ना हो तो ये सीरीज अधूरी रहेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली यानी जीनियस इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने मैथ और साइंस में ऐसा योगदान दिया जिसे बस मुट्ठी भर चंद साइंटिस्ट ही आज तक दे पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और दूसरा भाग है आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। और ऐसा मानने के पीछे एक वजह है। आइंस्टाइन ने दुनिया को तीन अक्षरों वाला एक फॉर्मूला दिया, E=mc², और इस फॉर्मूले ने साइंस को बदल दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल दी। और इसी फॉर्मूले की वजह से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए सन 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स यानी वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित करवाया। सन 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष घोषित किया। जर्मनी में पैदा होने के बावजूद जर्मन लोगों से खतरा, हिटलर के डर से जिनको अपने देश को छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में भी FBI उनके पीछे 20 सालों तक पड़ी रही और मृत्यु के बाद भी जिनके मस्तिष्क पर बहुत समय तक शोध चलता रहा। क्या सच्चाई थी इन सब के पीछे और इन सब मुश्किलों के बीच में कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया? उनकी जिंदगी से जुड़ी इन सब बातों और कहानियों को जानने के लिए मैं आपको इतिहास में करीब 150 साल पहले ले चलता हूँ। 150 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और जर्मन के शहरों पर सूरज डूबने के बाद अंधकार का राज होता था और वो शहर बहुत खतरनाक हो जाते थे, फिर थॉमस अल्वा एडिसन के डीसी करंट ने जर्मनी के शहरों को कुछ रोशनी दी। जर्मनी के शहरों में एक छोटा सा शहर था उल्म और इस शहर में रहते थे हरमन और पोलिन आइंस्टाइन। हरमन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण सप्लाई करते थे। 14 मार्च 1879 एक खुशी से भरा दिन था हरमन और पोलिन आइंस्टाइन के लिए। उनके घर में उस दिन एक बेटे ने जन्म लिया। प्यार से उसका नाम उन दोनों ने अल्बर्ट रखा। अल्बर्ट का सर उसके शरीर की तुलना में बड़ा था और ठीक शेप में नहीं था और हरमन और पोलिन को डर था कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब अल्बर्ट की दादी यानी हरमन की माँ ने उसको पहली बार देखा तो उन्होंने भी ये कहा कि उसका सर बड़ा है, लेकिन कुछ दिनों में ही अल्बर्ट का सर धीरे धीरे सही शेप में आने लगा। हरमन और पोलिन आइंस्टाइन अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे अल्बर्ट बड़ा होने लगा, हरमन और पोलिन को एक नई चिंता सताने लगी। अल्बर्ट कुछ भी बोलता नहीं था, लेकिन चिंता होने के बावजूद हरमन और पोलिन को ये उम्मीद थी कि एक दिन वो जरूर बोलेगा, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में एक डर जरूर था कि कहीं उनका बच्चा एक मंद बुद्धि बच्चा तो नहीं है। सन 1880 अल्बर्ट अब एक साल का हो चुका था और उसने थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू किया था। कुछ लोगों का कहना है कि उसने 4 साल के बाद बोलना शुरू किया और जब पहली बार वो बोला था तो उसके शब्द थे, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। जब हरमन और पोलिन ने उससे पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं बोले तो अल्बर्ट ने कहा कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अल्बर्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो लैंग्वेज यानी भाषा को जल्दी पकड़ नहीं पाते थे, जैसा कि दूसरे बच्चे जन्म के बाद करते हैं। ये प्रॉब्लम उसको 9 साल तक थी। वो सेंटेंस को अपने माइंड में दोहराता रहता था जब तक वो उनको ठीक से बोल नहीं पाता था। उसी साल यानी सन 1880 में हरमन और पोलिन उल्म से लगभग 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में जाकर रहने लगे। म्यूनिक में आइंस्टाइन के पिता और उसके चाचा जेकब ने एक कंपनी बनाई जो कि थॉमस अल्वा एडिसन के डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती थी। आगे की कहानी सन 1881 से सन 1885 के बीच में से होके गुजरेगी। अल्बर्ट 2 साल
का हुआ और तब उसकी बहन का जन्म हुआ। हरमन और पोलिन ने उसका नाम रखा माजा। अपनी एक छोटी बहन को पाकर अल्बर्ट बहुत खुश हुआ। अल्बर्ट दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता था, उनके साथ खेलता भी नहीं था और बहुत ही शांत रहता था। उसको खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता था। आजादी बहुत पसंद थी उसको और वो हर तरफ शांति चाहता था। अल्बर्ट बचपन में अपने पिता से कहता था कि वो बड़ा होकर सेना में सिपाही नहीं बनेगा। जब वो रोड पर सेना के सिपाहियों को परेड करते हुए देखता तो उसको बहुत दुख होता था। उसको लगता था कि सेना के लोगों को आजादी से घूमने की इजाजत नहीं थी और उनकी लाइफ बस एक मशीन की तरह थी और युद्ध होने पर वो मर जाते थे। हिंसा और युद्ध से नफरत थी अल्बर्ट को। वो अपने बचपन में या तो अकेले या फिर अपनी बहन माजा के साथ खेलता और उसके खेल भी कुछ इस तरह के होते थे जिससे उसको कुछ सीखने को मिले। उसको घूमना बहुत पसंद था और नेचर यानी प्रकृति से लगाव बहुत था। नदी को, पहाड़ को, आसमान को देखकर उसके मन में बहुत से सवाल आते थे। ब्रह्मांड में छुपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उसके मन में बनी रहती थी। धीरे धीरे ढेर सारे सवालों को लिए अल्बर्ट अब 5 साल का हो गया था और अब तक वो ठीक से बोलने भी लगा था। उसके बर्थडे पर हरमन ने उसको एक चुंबकीय दिक्सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास दिया। ऐसा गिफ्ट पाकर अल्बर्ट को बहुत अच्छा लगा। वो मैग्नेटिक कंपास को देखता रहता और सोचता कि इसकी सुई हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ ही क्यों रहती है। उसको लगता था कि उसमें ऐसा कुछ जरूर होगा जो उसकी सुई को हिलाता है, पर वो मुझे दिखता नहीं। इस तरह के और भी सवाल अल्बर्ट के माइंड में आते रहते थे। कहानी अब 1885 से 1888 के बीच में से गुजरेगी। अल्बर्ट के 5 साल पूरा करने के बाद उसका एडमिशन म्यूनिक के एक कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। उसकी माँ पोलिन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी। पोलिन चाहती थी कि अल्बर्ट भी म्यूजिक सीखे क्योंकि उनका मानना था कि म्यूजिक से जिंदगी में सुख और शांति आती है, आदमी का तनाव दूर होता है और यही सोचकर उन्होंने अल्बर्ट को वायलिन बजाना सिखाना शुरू किया। स्कूल में भी म्यूजिक टीचर अल्बर्ट को वायलिन बजाना सिखाते थे। अल्बर्ट जब वायलिन बजाना सीख रहा था तो उसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो किसी चीज को बार बार करना पसंद नहीं करता था। शुरुआत में तो उसको म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था और एक बार तो उसने म्यूजिक टीचर पर अपनी चेयर फेंक दी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको म्यूजिक अच्छा लगने लगा। आखिरकार वायलिन बजाना सीख लिया अल्बर्ट ने और फिर म्यूजिक से उसको इतना प्यार हो गया जो प्यार उसकी पूरी जिंदगी भर बना रहा। अपने वायलिन का नाम अल्बर्ट ने रखा था लीना। म्यूजिक से जब प्यार हुआ अल्बर्ट को तो उसके बाद उसने कई सॉन्ग्स भी लिखे और उनको गाया भी। दोस्तों, अगर मैं आपको जीनियस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की कहानी सुना रहा हूँ तो पढ़ाई और स्कूल का जिक्र तो आना ही चाहिए। 8 साल की उम्र में उसको लुइटपॉल्ड जिम्नेजियम में डाल दिया गया। लुइटपॉल्ड जिम्नेजियम को आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेजियम के नाम से जानते हैं। उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि स्कूल में छात्रों की जिंदगी भी सेना के सिपाहियों जैसी ही होती थी, कोई आजादी नहीं। खुल के सोचना और सवाल करना पसंद था अल्बर्ट को। कोई विचार या किताब में लिखी कोई बात को बिना कुछ सोचे समझे मान लेना अल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि पहले हमको किसी भी चीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी उसको मानना चाहिए। वो जब भी अपने सवालों को स्कूल में अपने टीचर्स से पूछता तो उसके टीचर्स बहुत बार उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे और उनको उसके सवालों से गुस्सा आती थी और बदले में मिलती थी अल्बर्ट को सजा। टीचर्स को लगता था कि ये लड़का बस फालतू के सवाल पूछता रहता है। वो अल्बर्ट को जीनियस या टैलेंटेड छात्र नहीं मानते थे। उनको लगता था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्बर्ट के नंबर अच्छे आते थे और हम सब ये जानते हैं कि वक्त ने बता दिया कि अल्बर्ट क्या था। कई महान लोगों के साथ उनकी जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी अब साल 1888 से साल 1893 के बीच से होकर गुजरेगी। धर्म। आइंस्टाइन परिवार का धर्म क्या था? आइंस्टाइन परिवार यहूदी थे। यहूदी होना भी उनके लिए बहुत सी समस्याएं लेकर आया क्योंकि जर्मनी में ज्यादा संख्या में ईसाई थे और यहूदियों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन अल्बर्ट धार्मिक किताबों को पढ़ता था। उसने बाइबल पढ़ी, धर्म को समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसको ये बात भी समझ में आने लगी कि कोई भी धर्म इंसान को कुछ गलत नहीं सिखाता, लेकिन इंसान कई बार उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे
के लिए इस्तेमाल करते हैं और यही बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। यहूदी होने के कारण भी अल्बर्ट को स्कूल में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे और उसको परेशान करते थे क्योंकि वहाँ ज्यादा संख्या में ईसाई स्टूडेंट्स थे। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से अल्बर्ट स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आइंस्टाइन बड़े हो रहे थे। चारों तरफ के इस तरह के वातावरण ने उसके ऊपर बहुत बुरा असर डाला और वो चुपचाप और अकेला रहने लगा। लेकिन उन सालों में उसका एक दोस्त बना मैक्स टेल में। वो भी एक यहूदी था और अल्बर्ट से उम्र में थोड़ा बड़ा था। वो अल्बर्ट को घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। मैक्स टेल में मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान का स्टूडेंट था और वो अल्बर्ट को कई किताबें भी पढ़ने के लिए देता था। अल्बर्ट अपने दोस्त और ट्यूटर मैक्स टेलमी से साइंस और फिलोसफी यानी दर्शन के बारे में सवाल करता। अल्बर्ट का इंटरेस्ट बचपन से ही मैथ और फिजिक्स में था और उसके सवाल भी ऐसे थे जिनके जवाब सिर्फ मैथ और फिजिक्स से ही उसको मिल सकते थे। ब्रह्मांड कैसे काम करता है इस बारे में उस समय तक बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं थी और ब्रह्मांड से जुड़े हुए बहुत से सवालों की खोज से ही अल्बर्ट का इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ में ज्यादा हुआ। अपनी उम्र के हिसाब से वो मैथ और फिजिक्स का नॉलेज दूसरे बच्चों से ज्यादा रखते थे। मैक्स टेलमी ने बताया था कि जब उसने 12 साल के अल्बर्ट को ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक दी तो उसने उस बुक को एक ही गर्मी की छुट्टियों में पढ़ ली और उन्हीं छुट्टियों में उसने ज्योमेट्री और एलजेब्रा भी सीखी। 12 साल के अल्बर्ट ने खुद से ही पाइथागोरियन थ्योरम की ओरिजिनल प्रूफ यानी मूल प्रमाण की खोज की। मैक्स टेलमी ने बताया कि जल्दी ही अल्बर्ट हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने और समझने लगा और कुछ समय में वो मुझसे भी आगे निकल गया। ज्योमेट्री और एलजेब्रा को गहराई से समझने में लग गया अल्बर्ट। उसको लगा कि नेचर यानी प्रकृति को एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यानी गणितीय संरचना के रूप में समझा जा सकता है। उसने 12 साल की उम्र में कैलकुलस पढ़ा और 14 साल की उम्र में उसने इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली। जर्मनी के एक फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स के लिमिट्स और स्कोप को बताया था। मेटाफिजिक्स फिलोसफी का एक ब्रांच है। अल्बर्ट ने कैंट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किताब को पढ़ डाला। अल्बर्ट उस समय बस 13 साल का था लेकिन उसको कैंट की बातें पूरी तरह से समझ में आ गई थी। अल्बर्ट के अंकल जेकब भी उसके साथ रहते थे। वो एक इंजीनियर थे और अल्बर्ट को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जेकब की वजह से ही अल्बर्ट की रुचि मैथ में बढ़ी थी। जब अल्बर्ट को बीजगणित यानी एलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा था तो जेकब ने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से एलजेब्रा समझाई थी। जेकब ने बताया कि एलजेब्रा बहुत ही मजेदार विषय है। उसमें हम एक छोटे जानवर का शिकार करते हैं। उस जानवर का नाम हमको नहीं पता इसलिए हम उसको एक्स कहते हैं। फिर जब हम उस जानवर का शिकार करके उसको पकड़ लेते हैं तो हम उसे सही नाम देते हैं। यही होता है एलजेब्रा यानी बीजगणित में। अल्बर्ट के लिए उनका घर ही सबसे बड़ा स्कूल था जहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की प्रेरणा भी अल्बर्ट को घर से ही मिली और इसमें उसका साथ दिया था उसके पिता और चाचा ने, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्बर्ट भी बड़ा होकर इंजीनियर बने। और वो ये भी जानते थे कि अल्बर्ट का स्वभाव क्या है और साथ ही साथ वहाँ यहूदियों को कितनी समस्याएं थी। इसलिए स्कूल में अगर अल्बर्ट के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आते थे तो वो उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। साल 1894, 13 साल के हो चुके अल्बर्ट। अल्बर्ट के पिता हरमन और चाचा जेकब की कंपनी ने म्यूनिक में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए एक बिड यानी बोली में हिस्सा लिया लेकिन वो काम उनको नहीं मिला। उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के उपकरणों को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के मुताबिक बदल सके। अल्बर्ट के पिता हरमन और चाचा जेकब की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और उन्हें अपनी म्यूनिक की कंपनी को बंद करना पड़ा। नए बिजनेस की तलाश में आइंस्टाइन परिवार को इटली के मिलान शहर में जाना पड़ा और फिर वहां से कुछ महीनों बाद वो पैविया चले गए। लेकिन अल्बर्ट को म्यूनिक में ही रुकना पड़ा और लुइटपोल जिम्नेजियम स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। अल्बर्ट अपनी फैमिली के चले जाने के कारण बहुत उदास रहने लगा। उसको लुइटपोल जिम्नेजियम पसंद नहीं था लेकिन जर्मनी का वही बड़ा स्कूल था जहां स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयार हो पाते थे। अल्बर्ट के पिता चाहते थे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करे लेकिन लुइटपोल जिम्नेजियम
स्कूल में पढ़ते हुए एक बार अल्बर्ट स्कूल अथॉरिटीज से भिड़ गए और उन्होंने स्कूल के टीचिंग मेथड का कड़ा विरोध किया। अल्बर्ट कहता था कि यहाँ पर हमको सिर्फ रटाया जाता है, हमारी क्रिएटिव थॉट और किसी चीज को सही ढंग से सीखने के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। अल्बर्ट उस स्कूल में एक दिन भी पढ़ना नहीं चाहते थे और दिसंबर 1894 में वो बीमारी का बहाना करके पैविया में अपने फैमिली के पास चले गए। अल्बर्ट को इटली बहुत अच्छा लगा। इटली में बड़े बड़े संग्रहालय, देखने लायक खूबसूरत जगह और कला और सांस्कृतिक केंद्र भी थे जो अल्बर्ट को बहुत अच्छे लगे और उसको यहाँ पढ़ने और सोचने के लिए बहुत कुछ मिला। वो संगीत सुनता, पहाड़ों पर चला जाता और नाव भी चलानी सीखी। अल्बर्ट कहता था कि उसका इटली में गुजरा हुआ वक्त बहुत अच्छा था। अल्बर्ट ने साल 1894 में अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा जिसका टाइटल दिया था उसने ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। 15 साल के थे वो। उसने इस रिसर्च पेपर को अपने अंकल सीजर कोच को पढ़ने और अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए भेजा। साथ ही साथ उसने एक छोटा सा नोट भी लगाया और उसमें लिखा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप मेरे रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आप ये जरूर देखेंगे कि मैंने लिखने की कोशिश एक अच्छे राइटर के जैसे की है जो मैंने अपने माता पिता से सीखा है। साल 1895, अल्बर्ट 16 साल के थे। घर वालों ने उससे कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, तुम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनो। अल्बर्ट ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठा। उस एग्जाम में वो फेल हो गया क्योंकि उसको भाषा, बॉटनी और जूलॉजी में कम मार्क्स मिले। इसके पीछे एक वजह फ्रेंच लैंग्वेज का होना भी था। अल्बर्ट को तब तक बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन उसके मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे आए। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने अल्बर्ट को सलाह दी कि तुमने मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसलिए अगर तुम स्विट्जरलैंड के आराओ जगह में स्थित आर्गोवियन कॉन्टिनेंटल स्कूल में एक साल की पढ़ाई करो तो तुम इस एग्जाम को जरूर पास कर लोगे। प्रिंसिपल की सलाह पर अल्बर्ट ज्यूरिख से 20 मील दूर आराओ चले गए अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग को कम्प्लीट करने। जॉस्ट विंटेलर जो स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में टीचर थे, अल्बर्ट उनके यहाँ ही रहते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ अल्बर्ट को जॉस्ट विंटेलर की डॉटर से प्यार हो गया जिसका नाम था मैरी। धीरे धीरे अल्बर्ट और जॉस्ट विंटेलर की फैमिली में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बाद में रिश्तेदारी में भी बदल गई। मैरी के साथ शादी नहीं हुई अल्बर्ट की, लेकिन अल्बर्ट की बहन माजा की शादी जॉस्ट विंटेलर के बेटे पॉल के साथ हो गई। अल्बर्ट की जिंदगी का ये वो समय था जब फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट और गहरा हो चुका था। पढ़ने के लिए बहुत कुछ था वहाँ पर उनके पास और अच्छे टीचर्स भी थे। अल्बर्ट स्कूल की लेबोरेटरी में कई एक्सपेरिमेंट करते। वो सोचते थे कि क्या मैं रोशनी के किरण को पकड़ सकता हूँ। अल्बर्ट खुद से यही प्रश्न पूछते थे और बाद में इसी प्रश्न ने उनके रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया था। साल 1896 में अपने पिता से अप्रूवल लेकर जर्मन किंगडम ऑफ वुर्टेम्बर्ग अपनी नागरिकता यानी सिटीजनशिप छोड़ दी ताकि उनको सेना में ना भेज दिया जाए और सितंबर 1896 में उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे ग्रेड्स के साथ पास की और इसके बाद वो वापस आए और ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। अल्बर्ट को प्यार हुआ था मैरी विंटेलर से जो उनसे एक साल बड़ी थी। वो ओल्सबर्ग स्विट्जरलैंड चली गई एक टीचर बनकर। उस समय जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में एक द्रव्य फैला हुआ है जिसको कहते हैं ईथर, लेकिन वो साइंटिस्ट इसको प्रूव नहीं कर पाए और अल्बर्ट भी इस बात को नहीं मानते थे। साल 1900 में जब अल्बर्ट 21 साल के थे, उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया और इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर कंक्लूजंस फ्रॉम द कैपिलैरिटी फिनोमिना पब्लिश हुआ। डिप्लोमा करने के बाद अल्बर्ट को लगा कि अब वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। वो पढ़ाना चाहते थे लेकिन वो दूसरे टीचर्स जैसा नहीं पढ़ाना चाहते थे, पर जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। वो जहाँ पर भी जाते वहाँ के कॉलेज के टीचर्स अल्बर्ट के डीप नॉलेज की वजह से डर जाते थे और इसलिए अल्बर्ट को कहीं पर भी टीचिंग की नौकरी नहीं मिली। 2 सालों तक वो टीचिंग की नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहे लेकिन उनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली।
फ्रस्ट्रेट हुए उन दिनों अल्बर्ट। लेकिन इसी बीच साल 1901 में अल्बर्ट को स्विस की सिटीजनशिप मिल गई और फिर साल 1902 में जब वो 23 साल के थे उनको स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी स्विस पेटेंट ऑफिस में एक असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की नौकरी मिल गई। इस नौकरी को करते हुए अल्बर्ट को अपने रिसर्च पेपर्स पर काम करने और उनको पब्लिश करने का बहुत समय मिला। ये जॉब उनके लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि उनको ऑफिस में बस कुछ ही घंटों का काम रहता था और वो अपना बाकी समय लिखने और रिसर्च करने में लगा पाते थे। वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे इसलिए वहाँ पर आने वाले बहुत से पेटेंट एप्लीकेशंस को वो अच्छे से पढ़ते थे। पेटेंट ऑफिस में भी अल्बर्ट का काम अच्छा था और इसलिए वो वहाँ पर परमानेंट हो गए। अब ये कहानी आगे बढ़ेगी और गुजरेगी साल 1902 से साल 1905 के बीच में। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अल्बर्ट ने डॉक्टरेट की डिग्री पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया और 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने अपनी थेसिस कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में स्टडी कर रहे थे तो उनके साथ उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिज। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। कहा जाता है कि मिलेवा मैरिज अल्बर्ट आइंस्टाइन के सक्सेस के पीछे की एक सीक्रेट वुमन थी जिन्होंने आइंस्टाइन के रिसर्च में बहुत मदद की थी। आइंस्टाइन को मिलेवा से प्यार हुआ और उन दोनों ने सन 1903 में बर्न स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वहीं पर यानी बर्न में ही आइंस्टाइन ने फेडरल ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नौकरी की थी जो मैंने आपको पहले बताया था। कहा जाता है कि आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिज की शादी होने से पहले ही उन दोनों की एक डॉटर भी थी लेकिन शायद किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। आइंस्टाइन की उस डॉटर के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ हंस अल्बर्ट। अब आपको वापस सन 1905 में ले चलता हूँ। अल्बर्ट लगातार रिसर्च करते रहे और अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाते रहे। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। बचपन से एक सवाल उनके मन में हमेशा घूमता रहता था कि अगर वो लाइट की किरणों के ऊपर बैठकर चलेंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी। ऐसी सोच और ऐसी जिज्ञासा होने के कारण उन्होंने फिजिक्स को बहुत गहराई तक समझा और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उस समय कुछ वैज्ञानिक लाइट की स्पीड यानी रोशनी की गति को मापने के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। अल्बर्ट ने बताया कि वो वैज्ञानिक क्यों असफल रहे। उन्होंने बताया कि वास्तव में लाइट की स्पीड एक जैसी रहती है और दुनिया की दूसरी चीजें उसके सापेक्ष यानी तुलनात्मक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से आपके बगल से गुजरती है। आप कहेंगे कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी लेकिन अगर एक ट्रेन जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर है और आप उसमें बैठे हुए हैं तो आप बगल वाली ट्रेन को जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है देख के क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उस ट्रेन की स्पीड कम है। यही थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया और इसी थ्योरी के कारण उनको एक महान साइंटिस्ट माना गया। ये रिलेटिविटी थ्योरी बस इतनी नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसने विज्ञान के लिए नई सोच के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि समय हमेशा एक जैसा रहता है। आइंस्टाइन ने कहा कि समय यानी टाइम भी अन्य दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष है। उनके इस सिद्धांत ने समय अंतरिक्ष गति और ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए विचार दिए जिससे वैज्ञानिकों की सोच ही बदल गई। इसी सिद्धांत के आधार पर बना अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc² का फेमस फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के हेल्प से एटॉमिक यानी परमाणु बम बनाया जा सका। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट को हम छोटे छोटे बिंदुओं की एक धारा कह सकते हैं। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई यानी विद्युत नेत्र की बुनियाद रखी गई और इसी के कारण टेलीविजन ध्वनि चलचित्र यानी टॉकी और दूसरे रिसर्च वर्क साइंटिस्ट ने पूरे किए थे। 1908 तक वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए थे और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में एक लेक्चरर की तरह अपॉइंट कर लिया गया।
आइंस्टाइन बर्न में सन 1909 तक रहे। 1909 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख चले गए, जहां उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर की जॉब मिली। सन 1910 में उनका दूसरा बेटा हुआ एडवर्ड। 1911 में अल्बर्ट प्रेग चले गए, जहां उन्होंने चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की। एक साल बाद जुलाई 1912 में वो वापस चले गए ज्यूरिख प्रोफेसर की नौकरी करने। दो साल तक रहने के बाद आइंस्टाइन अप्रैल 1914 में अपनी वाइफ के साथ बर्लिन चले गए। आइंस्टाइन के लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाने और कुछ अन्य कारणों से उनमें और उनकी पत्नी में कुछ मतभेद हो गए और वो दोनों 1914 में ही एक दूसरे से अलग हो गए। आइंस्टाइन की वाइफ मैरिक अपने दोनों बेटों को लेके उनसे अलग हो गई और 5 साल बाद 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद आइंस्टाइन ने दूसरी शादी की एल्सा से। अल्बर्ट आइंस्टाइन एल्सा के कजिन थे। कहानी आगे बढ़ती है और सन 1921 में पहुंचती है। अब अल्बर्ट 42 साल के थे। 2 अप्रैल 1921 को आइंस्टाइन ने पहली बार अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखा। वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए बुलाया गया था। 1922 में उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। वो प्राइस उनको मिला था उनके थ्योरेटिकल फिजिक्स और खासकर लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उनकी खोज पर। आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज मनी को अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिज को दे दिया ताकि उनके दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से हो सके। दिसंबर 1930 में आइंस्टाइन ने दूसरी बार अमेरिका में कदम रखा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो बनकर काम करने के लिए। सन 1933 जर्मनी में हिटलर बहुत ताकतवर हो चुका था। 1933 में आइंस्टाइन के बर्लिन वाले अपार्टमेंट पर नाजियों ने 2 बार रेड डाली। यहाँ तक कि नाजियों ने आइंस्टाइन की फोटो को जगह जगह पर चिपकाया और उनके सर पर $5,000 का इनाम रखा और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ये वो शख्स है जिसको अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया जा सका है। आइंस्टाइन एक यहूदी थे और उस समय जर्मन के गवर्नमेंट ने जो नया लॉ पास किया उसके अनुसार यहूदियों को कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं दी जा सकती थी, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा सकते थे। हजारों यहूदी वैज्ञानिकों को उनकी यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया और उन सारी जगहों से उनके नाम हटा दिए गए जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे। आइंस्टाइन को जर्मनी में रहना खतरे से खाली न लगा, इसलिए उन्होंने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। अमेरिका में आइंस्टाइन को अपने यहाँ रहने का इनविटेशन मिला और फिर सन 1933 में आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया। हालांकि 7 सालों के बाद आइंस्टाइन को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी, लेकिन अमेरिका में भी उनके शुरुआती दिन बहुत अच्छे नहीं गुजरे। अमेरिका में भी FBI उनके पीछे पड़ी रही। FBI को लगता था कि आइंस्टाइन एक डबल एजेंट है। उनको लगता था कि जर्मनी का होने के कारण हो सकता है कि आइंस्टाइन एक जासूस बनकर अमेरिका में आए हो। जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखी तो लोगों को ये पता चला कि उन्होंने आइंस्टाइन के ऊपर 177 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिस रिपोर्ट में FBI ने ये शक जाहिर किया था कि आइंस्टाइन बहुत खतरनाक व्यक्ति हो सकते हैं। 1933 के बाद लगभग 22 सालों तक, यहाँ तक कि अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने के बाद भी FBI आइंस्टाइन पर लगातार नजर रखी थी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को मिस ना कर सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।